हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 ज्योग्राफी लेसन नंबर 2 इंटीरियर ऑफ द अर्थ। दोस्तों, ये सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का। अब तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। आज हम स्टार्ट करेंगे इसके अगला पार्ट, जो हमने इससे पहले वीडियो में हमने कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक क्रस्ट के बारे में स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे मेंटल एंड कोर के बारे में। ठीक है, दो टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मेंटल, बिलो द क्रस्ट लाई द मेंटल। बिलो द क्रस्ट लाई द मेंटल, जो क्रस्ट होता है पृथ्वी के, जो लेयर है हमने देखा था, क्रस्ट के नीचे मेंटल आता है। मेंटल कैन बी डिवाइडेड इंटू टू लेयर्स, अपर एंड लोअर मेंटल। और जो मेंटल होता है दो भाग में बटा है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ये हमने कल किया था। ठीक है, द अपर लेयर इज मोर इन लिक्विड स्टेट। जो अपर मेंटल होता है वह अधिक से अधिक क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, एंड हेयर वन फाइंड मग्मा चैम्बर। और यहां पे मिलता है हमको मग्मा। क्या बोलते हैं, मग्मा मिलता है। इट इज थ्रू दिस चैम्बर्स दैट मग्मा कम आउट ऑन द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। और यही कारण है जब ज्वालामुखी फटता है तो वह मग्मा, जो लावा है, वह बाहर निकल आता है। क्योंकि वो क्या होता है, क्रस्ट के नीचे होता है मेंटल में। ठीक है, अपर मेंटल में होता है, जिसके जब लावा फूटता है, जब इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो वह लावा बाहर निकल आता है। ठीक है, एंड सर्वेस ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक मतलब लावा, ज्वालामुखी जब फूटेगा तो वो बाहर निकल आता है। दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज एस्थेनोस्फेयर। क्या कहते हैं इसको, एस्थेनोस्फेयर भी कहते हैं। एपिसेंटर्स ऑफ द डीप सीटेड अर्थक्वेक आर यूजुअली फाउंड हियर। और एपिसेंटर, स्पेशली जो एपिसेंटर का मतलब होता है अर्थक्वेक, जब भूकंप आता है तो मेन केंद्र यहीं पे होता है। क्योंकि जो लावा जहां पे होगा, भूकंप वहीं से निकलता है। क्यों, क्योंकि उसमें ही क्या होते हैं, गर्माहट होती है और बहुत तेज उसमें तरंगे, सेस्मिक वेव होता है, तरंगे होती है। जो लावा गर्म होने से क्या होता है, वो उसके अंदर जमा होके रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है। गर्म होगा तो प्रेशर कुकर, कैसे कुकर, जब कुकर ज़्यादा गर्म होता है तो कैसे ऊपर फटता है पूरा। देखिए, वैसे ही लावा जब बहुत ज़्यादा गर्म होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, तो फट करके बाहर आएगा भूकंप के रूप में। मेंटल बिगिंस एट अ डेप्थ ऑफ अराउंड 42 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। अब मेंटल चालू होता है 42 किलोमीटर की गहराई से चालू होता है। द इंटरनल एनर्जी, आपको मैंने बताया जो आंतरिक एनर्जी, जो मेंटल के अंदर जो गर्मी होगी, एनर्जी होगी, वो रिलीज होगी, बाहर निकलेगी। देखो, ठीक है, रिलीज ड्यू टू द एंडोजेनिक मूवमेंट। एंडोजेनिक मतलब आंतरिक जब हलचले होती है तब जाकर के ये लहरें बाहर क्या करती है, निकल आती है। ठीक है, Occurring in this layer is responsible for mountaining, building, rifts, volcanic eruption, earthquake, etc. और जब ये लहरें बाहर निकलती है, जो अंदर की गर्मी है वो बाहर जब निकलती है तो हमको भूकंप देखने मिलता है, ज्वालामुखी देखने मिलता है, और कभी कभी जब अधिक मात्रा में ये लहरें बाहर निकलेगी तो उसमें जो लावा निकलेगा, तो बहुत अधिक मात्रा में लावा जब निकलता है तो क्या होता है, वह बिल्डिंग्स, जैसे कि माउंटेन होता है ना, पर्वत बन जाते हैं। क्योंकि वो लावा जो है क्या होता है, जमा होता है ना, बाद में वो लावा ठंडा होगा और धीरे धीरे वो क्या होगा, बड़ा बड़ा एक ही जगह जमा होगा और वो पहाड़ के रूप में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, सर, इन दिस लेयर इट इज इन्फर्ड दैट द टेम्परेचर एट अ डेप्थ। और इस गहराई में लगभग जो मेंटल जहाँ पे होता है उस गहराई में अनुमानित ऐसा बताया गया है कि 2400 टू 2900 किलोमीटर वुड बी अराउंड, दूरी बता रहा है वो, दूरी में लगभग 2200 से 2500, ओके, मींस 2200 टू 2500 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब उतनी गर्मी कितनी होती है, 2200 से 2500 सेल्सियस डिग्री गर्मी वहाँ पे होती है। Here there is a sudden changes in the structure and density of material. और अचानक से क्या होता है, उसमें बदलाव भी हमको देखने को मिलता है। It is estimated, अनुमान लगाया गया है कि
that the this layer extend up to depth of 2870 किलोमीटर, और ऐसा अनुमान लगाया कि ये जो गहराई है लगभग 2870 किलोमीटर, इतना गहरा है, मतलब मेंटल का जो लेयर है वो लेयर इतना मोटा है, ठीक है। और दोस्तों एवरेज डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, ऑफ दिस लेयर इज 4.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या होता है, डेंसिटी होता है, एंड इट इंक्रीज विद डेप्थ, और जैसे गहराई में जाएंगे यह बढ़ने भी लगता है, क्या होता है, बढ़ने, अभी जितना हम नीचे जाएंगे गर्मी क्या होगी, बढ़ेगी, गर्मी क्या होगी, बढ़ेगी। इंक्रीजिंग प्रेशर इज द रीजन बिहाइंड दिस, और प्रेशर जब बढ़ता है नीचे जाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ता है, यही कारण है कि प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्योंकि जैसे नीचे जाएंगे गर्मी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। दिस डेंसिटी ऑफ लेयर मेंटल इज अबाउट 5.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और ये डेंसिटी जो नीचे होता है सबसे नीचे उसकी डेंसिटी लगभग 5.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। आई होप कि आपको एक पॉइंट समझ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कोर, क्या है कोर, द कोर स्टार्ट फ्रॉम अराउंड डेप्थ ऑफ द अराउंड 2900 किलोमीटर, जो कोर है पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा जो है वो गहराई जो है वो चालू होती है लगभग 2900 किलोमीटर की दूरी से, ठीक है, मतलब उसकी लंबाई। द पार्ट ऑफ द अर्थ एक्सटीरियर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मेंटल अप टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज द कोर, मेंटल से एकदम नीचे वाले मेंटल से लेकर के सबसे नीचे कोर तक ले, पृथ्वी के एकदम सेंटर तक ले, उसकी दूरी लगभग कितनी होती है, 2900 किलोमीटर, इतनी दूरी आप अनुमानित किया गया है। आगे देखिए, द थिकनेस ऑफ द कोर इज अबाउट, जो मोटाई है कोर की वो लगभग है 3471 किलोमीटर, मींस 3471 किलोमीटर। दिस लेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, आउटर कोर एंड इनर कोर, और ये जो कोर है ये भी दो भाग में बटा है, फर्स्ट इज आउटर कोर एंड सेकंड इज इनर कोर, ठीक है। अब हम दोनों कोर के बारे में अच्छे समझते हैं, देखिए दोनों कोर के बारे में, देखिए आउटर कोर क्या होता है, आउटर कोर में, आउटर कोर एक्सटेंड फ्रॉम अराउंड 2900 किलोमीटर टू 5100 किलोमीटर, इसकी दूरी जो है इतनी ज्यादा है, ठीक है। एंड द सेकेंडरी वेव कैन नॉट पास थ्रू द कोर, और सेकेंडरी वेव इसमें पास कभी होता नहीं है, जो तरंगे हैं इतनी मोटी लहर, ये सॉरी जो चौड़ाई है, थिकनेस है, इतनी ज्यादा मोटी है कि सेकेंडरी वेव जो भूकंप की तरंगे हैं ये बाहर नीचे जा पाती नहीं है, कहाँ जाती है, सीधा बाहर आती है क्रस्ट पे, कहाँ आती है, क्रस्ट, क्रस्ट मतलब अपने तलहट पे, बाहर जमीन के ऊपर आती है, तभी तो हम हिल जाते हैं। देखिए आगे कह रहा है, दिस हैज लेड द साइंटिस्ट टू बी बिलीव दैट द कोर कुड बी लिक्विड और सेमी लिक्विड इन नेचर, और ऐसा माना गया कि जो सेंटर है वो दोनों फॉर्म में हो सकता है, या तो लिक्विड या तो सेमी लिक्विड, मतलब सेमी मतलब क्या, थोड़ा सा ठोस हो और थोड़ा सा लिक्विड में हो, ऐसा माना गया है साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। द प्राइमरी वेव्स ट्रैवल थ्रू दिस लेयर, इसमें सिर्फ कौन सी वेव आते हैं, प्राइमरी जो एकदम ज्यादा हैवी कहते हैं ना कि मेन हो, जो भूकंप की लहरें बहुत ज्यादा तेज होती है तब नीचे की तरफ जाती है, अदरवाइज सब कहां जाती है, ऊपर की तरफ, है ना, ओके। नाउ देखते हैं दोस्तों, बट देयर स्पीड रिड्यूस व्हेन पासिंग थ्रू दिस लेयर, लेकिन हाँ इसकी स्पीड क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि लेयर क्या है, बहुत मोटा, और जब नीचे जाएगी तो उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है, दूर जाएगी तो क्या होगी, स्पीड कम होने लगती है, ठीक है। एंड द डेंसिटी ऑफ आउटर कोर इज 9.8, इसकी डेंसिटी क्या होती है, नीचे जाए तो डेंसिटी बढ़ जाती है, 9.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। द टेम्परेचर, और गर्मी कितनी होती है, तो सिंपल से अगर गर्मी तो नीचे बढ़ती जाएगी, तो लगभग ऐसा माना गया 5000 क्या होता है डिग्री सेल्सियस होता है, 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऐसा माना गया है लिक्विड फॉर्म में होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट है, वी हैव लर्न दैट द आउटर कोर ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज इन लिक्विड स्टेट एंड द प्रोपोर्शन ऑफ आयरन इज मोर इन द लेयर, और ऐसा माना गया कि सेंटर में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है, लोहा की मात्रा क्या है, सेंटर में बहुत ज्यादा है, ठीक है। द डिफरेंस
बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द आउटर इनर कोर गिव्स रेशियो टू वर्टिकल करेंट. अगे द अर्थ रोटेशन गिव्स देम इजिली ईडी सर्कुलर मोशन. और इसी की वजह से क्या होता है, वो अर्थ क्या होता है, रिवॉल्व करता है, घूमता है. इलेक्ट्रिक करंट डेवलप इन दिस स्फेरिकल एजिस ऑफ लिक्विड आयरन एंड दस मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड. आपको मैंने बताया कि सेंटर में क्या है, लोहा की मात्रा अधिक है, और लोहा की मात्रा अधिक है जिसे वो घूमता है, पृथ्वी कहती है घूमती है, तब घूमने की वजह से उसमें कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमें वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, चुंबकीय बल हमको देखने को मिलता है. चुंबक बल समझते हो, एक आकर्षित करने लगता है अपने आप को, ठीक है. इसलिए सब कुछ देखो पृथ्वी की तरफ खींचता है ना, समझ रहे, क्यों कोई भी चीज़ हम छोड़ते ग्रेविटी क्यों है नीचे, क्योंकि एक फील्ड जनरेट हो गया और वो फील्ड ग्रेविटी होती है, वो नीचे खींचती है सबको, ठीक है. ऐसी आप देखो मैग्नेटिक फील्ड बनता है कि नहीं, हम लोग स्कूल में जो बेल होता है, बेल बजाते हैं, उसमें कोई चुंबक थोड़ी होता है, उसमें क्या होता है, लोहा होता है और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और जैसे पास होगी तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट होता है, और क्या होता है, बेल बजने लगता है, चिपक जाता है ना वो, फिर बजने लगता है, ठीक है. अब देखेंगे, इट इज द समटाइम्स कॉल्ड द जियो डायनोमो. इसको कहते हैं जियो मतलब पृथ्वी, डायनो मतलब कहता है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो डायनोमो कहते हैं, ठीक है. दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बताया मैंने आपको कि जनरेट होता है, दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज फंक्शनल इवन आउटसाइड द अर्थ सरफेस फॉर क्वाइट डिस्टेंस. याद रखिए ये जो फंक्शन जो कहने का मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, जो बना, वह सिर्फ पृथ्वी पर ही काम नहीं करती है, वो बाहर भी काम करती है. जैसे कि थोड़ा सा दूरी पे जो बाहर का एरिया होगा पृथ्वी का, उस पे भी ये मैग्नेटिक फील्ड हमको देखने को मिलता है, ठीक है. एंड द एज अ रिजल्ट अ कवर डेवलप अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. और इसीलिए पृथ्वी के इर्द गिर्द में, पृथ्वी के इर्द गिर्द में क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है. द अर्थ एटमोसफेयर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सोलर वाइंड. यहाँ पर बताया कि जो अर्थ है वो बाहर का वो सोलर वाइंड से क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है. कमिंग फ्रॉम द सन, और वो कौन कहाँ से आता है, सन से आता है ना रे, रोशनी, उससे वो क्या होता है, कवर होता है, ठीक है. सोलर वाइंड्स कमिंग फ्रॉम द सन, द मैग्नेटिक फील्ड दस डेवलप अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज मैग्नेटोस्फेयर. क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं. जो सोलर वाइंड से, जो सूरज की किरणों से पृथ्वी के इर्द गिर्द एक आवरण बना, सुरक्षा कवच बना, इसे हम कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, इस कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड. क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं. क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्फेयर, ठीक है. दिस इज द फिफ्थ एंड इम्पॉर्टेंट स्फेयर ऑफ द अर्थ. और ये पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्फेयर है. स्फेयर मतलब सुरक्षा कवर, पृथ्वी को घेरा पड़ा है ना, जैसे कि हमारा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कवर बनता है, तो वैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है. और एक और लेयर है जो हमारे पास यूवी रे को आने देता नहीं है, ठीक है. तो क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर. क्या बोलते हैं, सो ओजोन लेयर, ठीक है. अब दोस्तों देखते हैं, लास्ट है इनर कोर. सबसे आखिर में, लास्ट में पृथ्वी के गर्भ में एकदम नीचे जो लेयर आता है उसे इनर कोर कहते हैं, ठीक है. आपको देखिए क्या, इनर कोर एक्सटेंडेड फ्रॉम अराउंड 5150 किलोमीटर टू द डेप्थ ऑफ अराउंड 6371 किलोमीटर. मतलब सेंटर की बात करें ना, अर्थ सेंटर, सीधा सेंटर पे पहुंचता है. इट इज अ कोर ऑफ द अर्थ विच इज एन सॉलिड स्टेट. और ये कौन से स्टेट में होता है, एकदम सॉलिड में, पृथ्वी के एकदम गर्भ में, एकदम नीचे जो है वो किस रूप में, सॉलिड में है. किसमें, सॉलिड में, ओके. द डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर इज अराउंड 13.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है. और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सेंटर में कौन सा मेटल होता है, तो आयरन तो फिक्स रहेगा, आयरन के साथ होता है निकेल. कौन होता है, निकेल. आयरन एंड निकेल आर द मेजर एलिमेंट फाउंड हियर. यहां पर लोहा और निकेल, ये दो धातु, ओके, ये दो धातु हमको उसमें देखने को मिलते हैं. देयरफोर, इसीलिए देखो आपको यहाँ पे दिया है डायग्राम वन और डायग्राम टू में, मतलब बी और बी टू, बी ए और बी. आप देखिए अर्थ मैग्नेटोस्फीयर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए मालूम पड़ेगा आपको, ठीक है. ये जो है
क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको देखेगा सोलर वाइंड से सूरज की किरणें आ रही है, देखो सन से, है ना, सूरज की किरणें आ रही है सन से आ रही है पृथ्वी पर, और देखिए ये मैग्नेटोस्फीयर एरिया कवर बना दिया, कवच, एक कवच बना दिया, और क्या करता है इसको प्रोटेक्टेड रखता है, सुरक्षित रखता है, ठीक है। अगला है दूसरा दिया देखो अर्थ अ मैग्नेट, अर्थ भी एक क्या है मैग्नेट के रूप में काम करता है कि नहीं, अब बता ना कि पृथ्वी के गर्भ में क्या है लोहा, और लोहा में क्या होता है जनरेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो ये एक मैग्नेट के रूप होगा कि नहीं, सभी चीज क्या होता है अपनी तरफ खींचता है, इसलिए देखो आपको दिख रहा है कि नहीं। ओके नाउ देखिए नेक्स्ट है, दिस ब्लेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइफ, इस क्या इसको क्या कहते हैं नाइफ भी कहते हैं, एज द मटेरियल इन दिस लेयर आर अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, और आपको पता है इस नाइफ में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है कि नहीं, क्योंकि क्या है पृथ्वी के एकदम गर्भ में एकदम नीचे है, जिसकी वजह से इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। द इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट, और इनर को होता है सॉलिड स्टेट में होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या होता है कठोर होता है। द टेम्परेचर हियर इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन, और दोस्तों इसका टेम्परेचर जो होता है वह इक्वल टू द सन होता है, ओके सन का जो ऊपरी लेयर है ना सन का उतना ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब सोचो इतनी गर्मी होती जितनी सूरज में गर्मी है उतनी एकदम नीचे क्या है सेंटर में भी गर्मी होती है, ठीक है। तो आई होप कि ये दोस्तों आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझा होगा, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए कीप स्टडिंग।